ये कराची इज्तमा का जलसा है, ये औरंगी टाउन तक गेट है। ये कौन सा है? ये 6 नंबर है। तो आप कौन से उसके, आप किसी इलाके वगैरह? जी हम ये स्लीपिंग बैग ही है। अच्छा अच्छा, ये स्लीपिंग बैग है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? अलहम्दुलिल्लाह जी जी, अल्लाह के मेहमान है ये सारे, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, कल इस काम को समझें। और इसको ये टोटली पहले मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ उनके मसाइए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये पूरी कराची का ये नक्शा है, सारी की सारी जो है। अच्छा, और जिक्र अस्कार की हर तरफ से आवाजें जमातें निकलती है कई मुल्कों के लिए। और जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिन हुसैन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर एमएच चैनल। आज मैं कराची इज्तमा में जा रहा हूँ। कराची इज्तमा लगा हुआ है औरंगी टाउन में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तमा होता है, और हम लोगों को मालूम हुआ था तो इज्तमा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इज्तमा के लिए हम लोग आए थे, तो हमारे पास कोई पहनने के लिए कैप वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पर आए हम। इधर कैप वाला नज़र आया था, तो ट्राई करते हैं। इज्तमा में जा रहे हैं तो अल्लाह के राह में जा रहे हैं, तो वहाँ पर तमीज़ से जाएंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे और नेक काम करने की अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे सबको। तो आए हम लोग यहाँ पर। ये पूरा जो रास्ता है ये औरंगी टाउन का, यहाँ से इज्तमा वाला रास्ता शुरू होता है, और ये पूरा वो सामने जो आप लोगों को दिख रहा है इज्तमा का रास्ता है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं किस तरह का इज्तमा लगता है और कैसा इज्तमा होता है और कितने लोग आते हैं। सुनने में तो यही आता है बहुत सारे आवाम होती है इधर, और बहुत बड़ा पाकिस्तान का इज्तमा है ये। आइए देखते हैं फिर रास्ते में क्या क्या चीज़ें इनके पास हुई हैं और क्या क्या फैसिलिटी होती है, चलें। तो ये आप देख रहे हैं, ये जलसे की तरफ हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कराची इज्तमा का जलसा है, ये औरंगी टाउन। अब ये नंबर तो मुझे पता नहीं है जी, और ये 4K में शूट हो रहा है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये चढ़ाई आ गई है। मैं ज़रा थोड़ा सा गियर से निकालूँ गाड़ी को। ये आपको मैं फुल रिव्यू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो भी व्यूअर्स देखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो कराची इज्तमा में आने की। और ये देखें माशाल्लाह, सबील भी लगी हुई है इधर। तो सबील फ्री में पानी की। ये गेट इनका है 6 नंबर, आगे 10 तक गेट है। ये कौन सा है? ये 6 नंबर गेट है। ये 6 नंबर गेट है। आए भाई, ये 6 नंबर गेट है। माशाल्लाह, ये यहाँ से वहाँ तक मस्जिद है। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है इस किनारे से वो आ रहा किनारे। अच्छा, आवाम पाओं तक खड़ी हुई है वो। ओ हो, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, नहर दिखाओगे? तो आप कौन से उसके, आप किसी इलाके वगैरह? जी हम लोग। ये सारा क्या है? ये सारा वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, जो नहाने के और वॉशरूम करने के। अच्छा, और आवाम तो बहुत है, दो अफराद बहुत हो गए, एक का कल जाना था, वो दो के बाद। तो ये इज्तमा में कोई स्टॉल लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या रदाइयाँ दे रहे हैं आप? ये खरीद के या वैसे ही लोगों को देते हैं आप? ये इज्तमाई है। अच्छा, ये वापसी देते हैं क्या? वापस नहीं देते, ये मरकज का माल है। हाँ, को बेच देते हैं। बेच देते हैं। अच्छा, सही सही सही, ठीक है भाई। ये आप बेहतरीन इंतज़ाम है, और ये रात में रुकने के लिए जो ठंड वगैरह होती है ये उसके लिए। और इसके अलावा आप क्या देते हैं? चटाइयाँ, स्लीपिंग बैग होते हैं हमारे पास। जी स्लीपिंग बैग होते हैं हमारे पास। अच्छा, स्लीपिंग बैग में क्या क्या होगा? यही होता है, इसके साथ कोई तकिया वगैरह मिलते हैं? ठीक है।
ये यहाँ पर कैंपिंग वगैरह लगी हुई है, जो यहाँ पर आते हैं इज्तमा वाले अरकान जो भी होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर ये सस्ती चीज़ें बेचते हैं। मद्दी मस्जिद कैंटीन, यहाँ पर सुबह का नाश्ता वगैरह मिल जाता है और चाय वगैरह मिलती है। मद्दी मस्जिद है कराची एडमिन सोसाइटी ब्लॉक 5 बलोच कॉलोनी का। आज तो जी ये चाय लिए, ये चाय यहाँ पर इज्तमा पे हम लोगों को 30 रुपये का ये प्याला पड़ा है, और बड़ी ज़बरदस्त चाय है ये, और पी के मैंने देखी है, शायद मेरा ख्याल में कोयले पे बनी हुई है। कोयले कोयले यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं ये कहाँ कहाँ से आए। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है ये, और ये इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? कोई तो बलूचिस्तान से। अरे वाह माशाल्लाह, इतना दूर से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में तो निकलना पड़ता है। साहब करम रजवान राज में पूरे दुनिया में घूमे, पूरी दुनिया में जो है ना बेसर व मददगार जो है ना जी जी बेसर सामान के साथ हम लोग तो अल्लाह के करम नवाजी यहाँ पे बहुत बंदोबस्त की है। अपना हमारे जो तबलीग इज्तिमा कराची वाले वालों ने, कराची वालों के बहुत मशहूर है, वजू खाने बहुत अच्छे बनाए। अच्छा, बहुत सारे पानी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा, गुस्ल खाने बने हुए हैं बहुत, जो है ना लोग तकलीफ नहीं है हम पे। जी जी, अल्लाह के मेहमान हैं ये सारे मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह दुआ होगी, इंशाल्लाह दुआ के बाद जो है ना कोई अपने मंजिल की तरफ निकलेगा, कुछ जो है ना अल्लाह के रस्ते में। दुआ 9:30 बजे इस तरह लगभग तकरीबन, दुआ की अभी तक टाइम नहीं है मुख्तस ना हम लोगों को। तकरीबन कितनी देर लग जाती है दुआ में? दुआ में घंटा भी लग सकता है, आधे का पौना घंटा घंटा ऐसा लगता है। अच्छा, वो बुजुर्गों के ऊपर जो ना। तो आप तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इज्तिमा के हवाले से? मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को, उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मुसलमान हैं, कि ये इज्तिमा में भरपूर शिरकत करें, अल्लाह के रस्ते में निकलें, इस काम को समझें, और इस काम को जो है ना अपना मकसद बना के पूरे उम्मत पूरे दुनिया में जो है ना इसको फैलाएं। इज्तिमा पे आप लोगों को मैं दिखा दूं, इज्तिमा का ये इन लोगों ने पूरा नक्शा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में कराची के अंदर से कहां कहां किस किस का हलका लगा हुआ है, तो ये टोटली पहले मैं आपको पूरा दिखा। ये बल्दिया का जो होता है, बल्दिया के अंदर जितना भी जितने भी मसाजिद हैं बल्दिया के अंदर आएंगी, वो सारी बल्दिया वाले बल्दिया के अंदर ही आएंगी। अच्छा, और फिर वहाँ पे वो अलग बोर्ड लगा हुआ है, अलग नक्शा लगा कि ये फला फला मस्जिद। अच्छा अच्छा, जैसे ये तुरबत हो गया, ये बाहर के हैं बावल मंडी, ये क्या है? जी जी, सारे इलाके के नाम है। अच्छा, गवादर हो गया इस तरह, गुलशन बाग, सही है सही है। भाई ये नंबर ये देखा आपने, ये जो है इनका मैप है, पूरा नक्शा बना हुआ है ये, और ये पूरे पाकिस्तान का या सिर्फ कराची का ही है? वो जो पाकिस्तान से आते हैं, मतलब एक मैं हम लोगों को मिले थे वो भावलपुर से हैं, बहरून के मसाजिद का अलग हलका होता है। अच्छा, तो उनका मैप किधर है, उनका नक्शा कहाँ है? वो अलग से बहरून का हलका होता है उधर आगे। अच्छा, वहाँ से भी आ रहा है, मतलब किसी और जगह से आ रहा है, तो वो कैसे? अलग हलका होता है उधर, अलग साइड वो पीछे। अच्छा भाई, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये पूरी कराची का ये नक्शा है। ठीक है, कस्बा लियाकताबाद, कुरंगी और बल्दिया और सुल्तानाबाद, शेरशाह, ये सारे जो है ना आपको मैंने नक्शा दिखा दिया, और चलें फिर आप आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था मैप, ये बिल्कुल मैप का वही तरीक़ेकार है। जी आ जाओ। हेलो, ये मैप का पूरा तरीक़ेकार है, और ये मैप के हिसाब से बने हुए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बेटा, थोड़ा बयान सुनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी कतबल आकाब फनस्तलाजात फलकुलूब इंदा وشر عند ويلانية والأحرام محرم ودين ما شرى والعمر ما كذا وخلق خلق والعبد عبد كل والله رب رحيم يعني جماعت میں آنے سے یعنی اللہ انہیں قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے جن کو بلانا ہو ہے نا ملائکہ تو یہ بڑے جب سے اجتماع چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے جب سے کراچی میں اجتماع شروع ہوا ہم آتے ہیں جی جی اور بہت بڑی بات ہے
इससे हमें दीन मशहूर के पढ़े लिखे लोग, मैं अपनी कह रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा रहा जी जी, लेकिन अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से वो इलम हासिल हो जाता है, शायद अल्लाह वालों की बरकत से हमारी भी बख्शिश हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी बच्ची है ये मेरी, अब तो माशाल्लाह ये पढ़ते हैं कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो इस्तमा है जी जी, हमारी दुआ है कि ये जब तक जान में जान है हम आते रहें, और भी लोग मुसलमान भाई है, तो इस्लामी मुल्क है। बिल्कुल। और खुसूसन फलस्तीन के लिए खुसूसन हमारी दुआ है कि हमारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन हम अल्लाह के आगे हाथ उठा सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करें और यहूदियों को नस्तो नाबूद करें और अल्लाह पाक उनको जहन्नम में पहुँचाए। ये दवा भी यहाँ करेंगे अल्लाह के हुक्म से, वो सुनने वाला है। जालिम के ऊपर अल्लाह सुबहान तआला का हाथ है, उनको छूट देता है, उन्हें छूट देता है कि समझ जाओ, नहीं समझते तो वो फिरौन का जैसे हाल हुआ ऐसे ही हाल हो जाता है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत मेहरबानी, याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई ये थी इनका पंडाल था ये पूरा, और आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया, ये पूरा पंडाल है और ये दूर तक, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये दूर तक इनका ये पंडाल है, और यहाँ पर लाखों लोग मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से मौजूद, और कराची का ये पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इज्तम ख़त्म हो गया, कराची का ये सबसे बड़ा इज्तम है। और इधर आप लोग ये सामने, अगर आप लोगों को दिख रहा है ये वाशरूम का सिस्टम है, और वाशरूम का सिस्टम वो उधर सामने है, ठीक है। और ये जो बड़ी सी आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, पूरी मस्जिद है, इसका टॉप फ्लोर जो है ये मेंबर होता है, और मेंबर पर दुआ जो है वो तीसरे दिन होती है, ये आपने देख लिया। और ये सारी आवाम, ये सारे आवाम जो देख रहे हैं आप, ये सारी आवाम जो है ये सारी की सारी जो है उसकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो लाला? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? तभी ठीक हो? लाख लाख शुक्र है। अच्छा लाला, कहाँ से आए हो आप? मैं केपीके मोमन एजेंसी से मेरा ताल्लुक है, और कराची इज्तिमा में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और जिक्र और अस्कार की हर तरफ से आवाज़ें माशाल्लाह, ना कि ये कोई सियासी नारे हैं, सियासी गुफ्तगु है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की दावत दी जा रही है जी जी, और अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत दी जा रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, और जितने हमारे साथी नहीं हैं उनको मेरी दरख्वास्त है कि वो आकर इस दुआ में शामिल होए। कितना टाइम से आ रहे हो आप? मेरा तो जब से होश संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम से आ रहे हैं। अच्छा जी जी, माशाल्लाह। आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो साथी इस साल इज्तिमा में आने से रह गए, वो आइंदा साल के लिए तैयारी करें, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, ताउन भी करें, काम जैसे खिदमत होती है इज्तिमा में जी, तो आप लोग आएँ और इसमें जो है ना आप लोग खिदमत में हिस्सा लें। अच्छा माशाल्लाह, इधर से कई जमातें निकलती है कई मुल्कों के लिए, और माशाल्लाह जो है ना हर साल के हर साल लोगों की तादाद बढ़ रही है, जिस तरह हमारे मौलाना दानिश साहब हैं जी। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद दानिश पी आई ए कारगो मस्जिद से इमाम हूँ। आओगे? आज मैं अपनी टीम के साथ कराची तबलीग इज्तिमा में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे जैसे कि आप हजरात भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये कोई सियासी पार्टी के नारे वारे यहाँ नहीं लग रहे हैं, ना कोई सियासी जलसे हो रहे हैं, ना कोई सियासी झंडे नज़र आ रहे हैं, फिर भी माशाल्लाह तादाद इतनी ज़्यादा है इधर आवाम की कि जितने मैं अगर कहना चाहूं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो तमाम सियासी पार्टियां अगर मिलकर भी इतने लोगों का इज्तिमा करना चाहें तो तमाम लोगों से भाई यही गुजारिश है कि इतना आवाम का जो तबका है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जमा हो रहे हैं कि वो खुदा वहदहू ज़ातहु ला शरीक की जो है हम तो सना करने वाले हैं, और इसी तरह वो ये सब जो इधर आए हुए हैं अपने आमाल दुरुस्त करने के लिए आए हुए हैं। जो लोग इधर आने से रह गए उनसे गुजारिश है कि वो भी जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएँ, कल बरोज़ इतवार इंशाल्लाह सुबह 9 या 10 बजे दुआ करके इस इज्तिमा का इख्तिताम कर दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो अगले साल भी। आप क्या कहना चाहोगे? आप बताओ, आप माशाल्लाह पुलिस वाले हमारे यही जी है कि भाई आप अपनी जान की खुद हिफाजत करें जी, और दूसरा कि हमारी भी थोड़ी सी गुजारिश है आपसे, आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम आपके साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप सबसे गुजारिश है कि इनके साथ ताउन करें। चले भाई, रश लगे रश लगे। तो आप लोगों को मैंने ये दिखाया कराची इज्तिमा, यहाँ पर
औरंगी टाउन में ये हो रहा है। औरंगी टाउन में 3 दिन से ये मुनक्किद है और हम लोग दुआ में शरीक इंशाल्लाह कल होंगे और कल इसकी दुआ है, कल इंशाल्लाह दुआ में भी शरीक होंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस दुआ में शरीक हों क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम दे। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और अगर ज़िंदगी रही तो कल हम इंशाल्लाह दुआ में शरीक होंगे और आप लोगों को ये दुआ दिखाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।